हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज भादी मावस है और भाद्र माह की अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है हमारे शास्त्रों में। रानी सती दादी का जन्म तो होता ही है, साथ ही साथ आज पितृ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस माना जाता है। इस दिन पूरे वर्ष भगवान की पूजा और श्राद्ध आदि कर्मों के लिए कुश का संग्रह किया जाता है, इसलिए इसे हम कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान की पूजा एवं दान आदि कर्म के समय हाथ में कुश जरूर होना चाहिए, अन्यथा पूजा और कर्मों का फल नहीं मिलता है। पूजा काले सर्वदैव कुश हस्तो भवेच्छ छुचि, कुशेन रहिता पूजा विफला कथिता मया। इसके हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कुश ग्रहणी अमावस्या के दिन प्रातः सूर्य उदय के समय पूर्व या उत्तर मुख की ओर बैठ करके ओम हुंग फट मंत्र को बोलते हुए भूमि से कुश को उखाड़ना चाहिए। कुश ग्रहणी अमावस्या का महत्व मात्र इसलिए नहीं है कि इस दिन वर्ष भर के कर्म के लिए कुश ग्रहण किया जाता है, बल्कि इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन पितरों की पूजा और श्राद्ध करने से हमारे जो पितर हैं वो संतुष्ट होते हैं और हमारे जीवन से सभी प्रकार के पितृ दोष नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन किए गए स्नान दान आदि का कई गुना खास पुण्य प्राप्त होता है और अमावस्या तिथि के दिन सोमवार होने के साथ साथ इस वर्ष सोमावती अमावस्या है दोस्तों, और विशेष रूप से फलदायी मानी गई है। आपको मैं बता देती हूँ, कुश ग्रहणी अमावस्या पर एक घास यानी कि एक कुश जो कर सकती है शनि देव को भी आपके वशीभूत। शास्त्रों में क्या होता है, भाद्रपद कृष्णपद की जो अमावस्या है या हम जो इसको कुश ग्रहणी अमावस्या बोलते हैं या कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कई लोग बोलते हैं, दोस्तों इस दिन को अघोरा चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार बिना कुशा के शनि देव व दूसरे कोई भी देवताओं की पूजा निष्फल मानी जाती है। पूजा अनुष्ठान पर इसलिए विद्वान पंडित आप देखते होंगे हमेशा अपनी अनामिका अंगुली में कुश की बनी हुई पैंती यानी कि अंगूठी बना करके पहनते हैं और पवित्रीकरण हेतु कुशा से गंगा जल मिश्रित पानी से सभी पर छिड़काव करते हैं। दोस्तों, इसी कारण से इस दिन साल भर के लिए पूजा आदि हेतु कुशा नामक विशिष्ट घास जो होती है उसको उखाड़ा जाता है। आज के दिन तर्पण करने की मान्यता होती है और इस दिन शिव के गणों भूतों प्रेतों आदि सभी को माना जाता है स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है। परिजनों को बुरी आत्माओं के प्रभाव से बचाने के लिए लोग अपने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों पर कांटेदार झाड़ियां आज के दिन लगाते हैं और दोस्तों ये परंपरा बहुत ही सदियों से चली आ रही है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भी अमावस्या या चतुर्दशी के दिन सोमवार का संयोग बनता है तो बहुत ही पवित्र योग माना जाता है। सोमावती अमावस्या है दोस्तों, और शास्त्रों के अनुसार अश्विन कृष्ण पक्ष में चलने वाला 15 दिनों के पितृ पक्ष का शुभ आरंभ यदि भादो माह की अमावस्या से ही हो जाता है तो बहुत ही लकी माना जाता है। दोस्तों, कुशा ग्रहणी अमावस्या के दिन तीर्थ करना, स्नान करना, जप करना, तप करना, व्रत करना आदि से पुण्य से ऋण और पापों से छुटकारा मिलता है। इस दिन शनि देव के संपूर्ण परिवार का पूजन करना चाहिए। पूजन में शमी यानी शमी का वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, यम देवता की पूजा करनी चाहिए, यमुना माता की पूजा करनी चाहिए, सूर्य आदि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसलिए इस दिन संयम रखना चाहिए, साधना रखना चाहिए और तप के लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिन माना जाता है। पुराणों में अमावस्या पर कुछ विशेष व्रतों को करने का विधान है दोस्तों, और इस दिन भगवान विष्णु व उनके अवतारों की भी आराधना की जाती है। इस विशेष पूजा से तन मन और धन के कष्टों से मुक्ति मिलती है और शास्त्रों में अमावस्या का स्वामी पितृ देव को माना गया है। इसलिए दोस्तों, आज के दिन पितृ तृप्ति के लिए तर्पण का महत्व है और पितृ की तृप्ति के लिए कुशा का होना अनिवार्य माना गया है। आपको मैं बता दूं, कुशा 10 प्रकार की होती है। शास्त्रों के अनुसार जिस कुशा का मूल सुतीक्ष्ण यानी कि 7 पत्तियों वाला हो, अग्रभाग उसका आगे का जो मुख है वो कटा हुआ ना हो, हरा हो, वह देव और पितृ दोनों कार्यों हेतु में उपयोग करने वाला माना जाता है।
दोस्तों खास करके जिन लोगों की जन्म राशि तुला है, वृश्चिक है, धनु है, उन पर शनि की 7.5 चल रही है। जिनकी राशि मेष है और सिंह है, उन्हें शनि की ढैया से जूझना पड़ रहा है। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृ दोष है, उससे संतान आदि ना होने की आशंका है, उन्हें इस अमावस्या की पूजा पाठ, दान दक्षिणा आदि जरूर करना चाहिए। दोस्तों अपने नौकरों आदि का कभी भी अपमान ना करें और किसी को कष्ट ना दें। इस दिन शनि देव व पितृ देव की विशिष्ट पूजन से जीवन के सभी प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं। दोस्तों जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष है, राहु या केतु परेशान कर रहे हैं, उन्हें कुश ग्रहणी अमावस्या पर पितृ को भोग और तर्पण द्वारा जरूर प्रसन्न करना चाहिए। आज आपको पितृ को जल कैसे देना है वो मैं बता देती हूँ। पितृ के भोजन में तो आप भाग जो भी रोटी आप बनाएंगे उसमें से पहली रोटी गाय की, उसके बाद दूसरी रोटी आप अपने पितृ की नाम की ज़रूर निकालें, और ये रोटी भी आप चाहें तो गाय को खिला सकते हैं अगर आपको कोई ब्राह्मण, गरीब या नीडी नहीं मिलता है तो। इसके अलावा दोस्तों आपको जल का तर्पण करना है। क्या करना है आपको, एक कुशा हाथ में ले करके थोड़े से काले तिल ले लेने हैं आपको हाथ में, और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक लोटा जल अपने पितृ का ध्यान करते हुए आप वो चढ़ाएं। आप चाहें तो इस मंत्र को आप बोल सकते हैं, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, और इस मंत्र का जप करते करते आप दक्षिण मुखी होकर के जल अर्पण करें अपने पितृ को, और आप देखेंगे आपके जीवन के सभी प्रकार के पितृ दोष दूर हो जाते हैं। जीवन में जो भी आपका दुर्भाग्य है, आपके भाग्य साथ नहीं दे रहा है, काम में अड़चने आ रही है, तरह तरह की समस्याएं एक के बाद एक आपके जीवन में आती जा रही है, दोस्तों ये पितृ दोष के लक्षण होते हैं। अगर किसी प्रकार के ग्रह दोष नहीं है और आप फिर भी भुगत रहे हैं तो ये उपाय आज आपको। दोस्तों अमावस्या तिथि वैसे तो हर माह को पड़ती है और इसका कोई ऐसा नहीं होता है कि इसी डेट को पड़ेगी, जिससे ये अपने क्रम अनुसार किसी भी दिन पड़ जाती है। जब ये अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है दोस्तों, तो इसका महत्व और भी ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि इस दिन का सीधा संबंध भगवान शिव से हो जाता है। ऐसे में दोस्तों ये कुश ग्रहणी अमावस्या जो आज सोमवार के दिन पड़ी है, इसलिए इसे हम सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। और शास्त्रों के मुताबिक अगर सोमवती अमावस्या के दिन आप विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों आज का दिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन पति की दीर्घ आयु के लिए कामना की जाती है, और वहीं अगर अनमैरिड जो लड़कियां हैं उनके द्वारा सोमावती अमावस्या की अगर पूजा करेंगे तो उससे आपको मनचाहा पति मिलता है। इस दिन पर पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है दोस्तों, और पितृ दोष दूर करने के लिए दिन बहुत ही खास होता है। पितृ दोष कैसे दूर करना है मैंने आपको बताया, किस प्रकार अर्घ दे करके पितरों को किस प्रकार आपको भोग लगाना है, अपने पितृ का प्रसाद आप चाहें तो तर्पण कर सकते हैं, किसी पंडित को, गरीब को, ब्राह्मण को आप दान दे सकते हैं। और पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं को इस दिन सुबह उठ करके सबसे पहले नदी आदि में स्नान करने के बाद तुलसी के वृक्ष में जल देना चाहिए, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, और आज के दिन शिव जी पर जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे जा करके वहाँ पर विधि विधान से उस वृक्ष की पूजा करें। पूजा में दूध, दही, फूल, चावल, हल्दी, तिल, इसके बाद आप कोई भी चीज़ ले लें, जैसे टॉफ़ी हो, 14 पीस लेनी है आपको, बिस्किट हो, रुमाल हो, मेवा हो, सुहाग का कोई भी एक सामान हो, कम से कम 14 सामान ले लें और 14 बार उसको ले करके पीपल की फेरी लगाएं। दोस्तों ध्यान रखें इस सामान की संख्या 14 होनी चाहिए, इसके अलावा ये फेरी ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार ही लगानी चाहिए। फेरी लगाते समय पीपल में सफ़ेद या पीला धागा लपेटना चाहिए, और पूजा के समापन के बाद ये सारा सामान कन्याओं को या सुहागनों को आपको भेंट दे देना चाहिए। दोस्तों बहुत ही बड़ी अमावस्या होती है सोमावती अमावस्या, कुश ग्रहणी अमावस्या, भादो अमावस्या, बहुत ही खूबसूरत दिन है। साथ ही साथ आज सूर्य ग्रहण भी है, विश्व के कई भागों में सूर्य ग्रहण है दोस्तों। आज भारत में इसका असर नहीं दिखने वाला है, किंतु राशियों पे असर होगा, इसके लिए मैंने दूसरी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की है।
पांच राशि वालों पर खासा असर होगा और वो सारे मैंने बताए हैं दोस्तों पिछले वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। और पितृ दोष से राहत मिलने के लिए बहुत ही खूबसूरत अमावस्या है दोस्तों। जिन लोगों पर पितृ दोष है उनके लिए दिन बहुत बहुत खास है, और पितृ दोष से परेशान लोगों को इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके पूजा ज़रूर करनी चाहिए दोस्तों। पीपल के वृक्ष पर भगवान विष्णु का नाम लेकर के एक जनेऊ आपको चढ़ाना है, और मिठाई आदि का भोग जो भी आप पंचोपचार षोडश उपचार पूजन करना चाहें वो करें। थोड़ा सा नैवेद्य यानी कि कोई भी मिठाई या भोग आप लेके जाएं, और वो लगाने के बाद 108 बार कम से कम आपको पीपल की परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए दोस्तों। अगर आप किसी तरह से असमर्थ है 108 परिक्रमा में करने में, तो आप 5, 11, 21 आदि भी कर सकते हैं। सोमावती अमावस्या के दिन दूध से बनी हुई खीर द्वारा दक्षिण दिशा में आप थोड़ी सी खीर बना लें, और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों की तस्वीर रख लें सामने। एक पाटे पे सफ़ेद कपड़ा बिछा करके पितरों की तस्वीर को स्थापित कर लें उनके सामने। आप चाहें तो ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ऐसा करते हुए थोड़ी सी काली तिल लेकर के और घी लेकर के आप हवन करें, इससे भी आपके पितृ दोष दूर होते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी मैंने छोटे छोटे उपाय बताए हैं दोस्तों पितृ दोष दूर करने के, आज के दिन वो आप कर सकते हैं। अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो इस दिन आप कौओं को रोटी खिलाइए, काले जानवरों को रोटी या चावल के लड्डू बना करके खिलाइए, मछलियों को चावल का आटे की गोलियाँ बना करके खिलाइए, देसी घी से बने हुए लड्डू आदि बांटने में, गरीबों को दान देने से पितृ दोष में कमी आती है दोस्तों। चाहे आप भोजन दान करें या दक्षिणा दान करें, कुछ भी दान करें तो पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, आपका जीवन सरल मिलता है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, सोमावती अमावस्या का दिन है, कुश ग्रहणी अमावस्या है, कुशोत्पाटनी अमावस्या है दोस्तों, और आज के दिन कुश ज़रूर तोड़े। साल भर की पूजा के लिए अगर आप कुश तोड़ लेंगे, उसकी अंगूठी बना करके अपनी अनामिका अंगुली में आज धारण करेंगे और अपने पितृ को जल अर्पित करेंगे, तो आप देखेंगे आपके सभी प्रकार के पितृ दोष दूर हो जाते हैं। अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली से इन उपायों को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हों तो आप प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।